नमस्कार देश विदेश को स्वागत कर छिमलीमा प्रथम नजर पके बा हेडलाइंस उपरे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। जे एडवांस पे तारीख घोषणा अक्टोबर 3 रे परीक्षा नै घोषणा करे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट करी कहले कोविड कटकणार अनुपालन सहित अनुष्ठित हेबो परीक्षा। एनईपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान और दक्षता विकास आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार पदक्षेप आगक 13 भाषा नीट एवं जेई परीक्षा 2021-22 एकेडमिक अधिवेशन आसपे नुआ नियम लोकसभा सूचना दे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आउ एक भारतीय कला को विश्वस्तरीय मान्यता भगवान शिवंक अलौकिक रामपा मंदिर को युनेस्को विश्व ऐतिह्य स्थल मान्यता 800 वर्षर मंदिर रही भारत कला भास्कर्य शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री मोदी। छप्पन कोटि पिचु रास्ता केलेंकारी सत खोलिबा परे बिजेडी नेतांक गुंडागिरी कंट्राक्टर को सुरक्षा पई अंटा भिड़िले मंत्री तुषारकांति बेहरा और ब्लॉक चेयरमैन बाबू नायकों समर्थक अस्तरंग काकटपुर नयाहाट दे निमापड़ा रास्ता निर्माण में होता व्यापक अनियमितता पुणी 22 कोटि दुर्नीतिर अभियोग। डीएफओ अक्षय पर ज्योति प्रकाश ना को नहीं हटचमट ज्योति सहित विद्याभारती संपर्क कौन आसला समीरजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट शरीर 95% पोड़ मृत्यु मृतदेह बाहर किरोसीन गंध। मने पड़े कारगिल युद्ध में भारत विजय स्मृति कारगिल विजय दिवस को पालन कला सारा देश विजय पछे निर्णायक भूमिका नहीं वीर जवान स्मृतिचारण कले देशवासी राज्य में चौदवार केन्द्रापड़ा भद्रक आसला वीर जवान स्मृतिचारण दृश्य कोहबर आखिरे एवं भी झुरुंच पर लोके पदक देश को फेरिले देशर गर्व मीराबाई चानू विमान बंदर विपुल स्वागत संवर्धना कहले अलंपिक्र स्वप्न को पूर्ण पर त्याग करने को पड़ी बहु किसी सेबड़े चानू को आडिशनाल एसपी निजुक्त कले मणिपुर सरकार। जेई एडवांस तारीख घोषणा आसंता अक्टोबर 3 तारीख में परीक्षा नहीं घोषणा करिछंति केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आईआईटी एडमिशन कोविड कटकणा भितर हेबो जेई एडवांस परीक्षा पूर्व जुलाई 3, 2021 जेई एडवांस परीक्षा होता किंतु कोरोना पर यह स्थगित करा महामारी जो जेई एडवांस 2021 जो छात्र छात्री जेई 2020 एडवांस क्वालिफाई करिछंति किंतु कोरोना पर अनुपस्थित रही जेई एडवांस 2021 सीधा प्रवेश करिपारिबे। आगक 11 बदल में 13 भाषा हेबो नीट परीक्षा तीनि भाषा चली जेई आगक 13 भाषा परिचालित हेबो पायलट प्रकल्प आधार 2021-22 एकेडमिक अधिवेशन नुआ नियम आसीपे एआईसीटी 8 आंचलिक भाषा वैषयिक शिक्षा को मिलपे अनुमोदन एनईपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान और दक्षता विकास में आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार पदक्षेप नहीं लोकसभा एने सूचना देखते केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। शिक्षार आंचलिक भाषा को गुरुत्व देशरे गवेषणा व्यवस्था को मजबूत करने को पदक्षेप जातीय अनुसंधान फाउंडेशन व शिक्षा मंत्रालय नुआ प्रयास एकेडमी एवं शिल्प मध्य समन्वय रक्षा करने को योजना कर एनईपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान एवं दक्षता विकास रे आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार पदक्षेप नहीं लोकसभा एने सूचना देखते केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आगक 11 बदल में 13 भाषा हेब नीट परीक्षा तीनि भाषा चली जेई आगक 13 भाषा परिचालित हेब पायलट प्रकल्प आधार 2021-22 एकेडमिक अधिवेशन नुआ नियम आसीपे एआईसीटी 8 आंचलिक भाषा वैषयिक शिक्षा को मिलपे अनुमोदन स्वयं प्लाटफर्म अधीन आंचलिक भाषा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पर रेफरेन्स सामग्री अनुवाद हेबो जहां विज्ञान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मानविकता सामाजिक विज्ञान आईन परिचालना इत्यादि विभाग रे ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करुछि। उच्च शिक्षा में रिसर्च के बारे में और सामूहिक रूप में
शिक्षा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और उसको लेके देश की आत्मनिर्भरता के बारे में एक मूल मौलिक प्रश्न पूछा है और उससे आगे जाके एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में घोषणा किया गया और जिसके बारे में पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की भाषण में भी उल्लेख किया, सरकार इसी उपक्रम को बनाने के लिए कटिबद्ध है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और संबंधित विभागों को लेके गहन विचार विमर्श जारी है। आंचलिक भाषा रे योजना पई आवेदन करबा को चाहुथबा अनुष्ठान गुडीक पई एआईसीटी हैंडबुक रहिछि। अधिक संख्या रे छात्र छात्रिन को प्रवेश पई इंग्रजी भाषा रे थिबा ऑनलाइन पाठ्यक्रम को हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड, मलयालम, पंजाबी, आसाम एवं ओडिया रे अनुवाद करबा को एआईसीटी अनुवाद ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल व्यवहार करा जइबो। ग्रामांचल रे हिंदी रे 1000 पुस्तक प्रकाशन दिगरे हरियाणा सरकार एवं एआईसीटी भितरे एमओयू चुक्ति होईछि। आंचलिक भाषा रे वितरण करा जाउथबा इंजीनियरिंग रे प्रथम वर्ष रे छात्र मानक पई वर्तमान पाठ्यक्रम रो एक बाध्यतामूलक अंश छात्र इंडक्शन प्रोग्राम रहिबो। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। देशर शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आणिबा पई मोदी सरकार द्वारा प्रणयन करा नुआ शिक्षा नीति को पूरी पाकु जाउछि गोटे वर्ष। यार एक वर्ष पूर्ति अवसर में जुलाई 29 तारीख दिन देशव्यापी एक कार्यक्रम अनुष्ठित होबाकु जाउछि जेंतिरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे उद्बोधन देबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्ये एथिरे उद्बोधन देबार कार्यक्रम रहिछि। अनिश्चितता भितरे पौर निर्वाचन तीन वर्ष होगा जनप्रतिनिधि शून्य शहे ऊर्ध एनएससी म्युनिसिपालिटी और महानगर निगम सेपटे सरकार समान उत्तर प्रस्तुति चली कि निर्वाचन नहवा जो विभिन्न सहरांचल बासिंदा मौलिक सुविधा नपाई असंतोष झाड़ुवा बेले राज्य सरकार को घेरी विरोधी। आमे सेतिपई प्रस्तुत होउछु ठीक समय रे हबो आमे सेतिपई जहां प्रस्तुति करिया कथा प्रस्तुति आमे आरंभ करिछु। सुनिले तो कोन कहउछन्ती नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना प्रस्तुति चालीछि ठीक समय आसिले हबो पौर निर्वाचन। 2018 सेप्टेम्बर मासरु शेष होलानि पौर अवधि 6 मास भितर हेबा कथा निर्वाचन किंतु गत 3 वर्ष होला होइ पारुनि पौर निर्वाचन। राज्य रे एनएससी पौरपालिका और महानगर निगम को मिसै 114 टी सहरांचल रहिछि आउ सेति मधुरु 116 काउंसिलर कॉर्पोरेटर मेयर डेप्युटी मेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि पदवी दीर्घ वर्ष धरी खाली पड़ी हेले विभागीय मंत्री को जेतेबेले पचारिले मिलुछि समान उत्तर। अन्यपटे आसंता वर्ष पंचायत गुड़िकर अवधि शेष होगा जाऊँगी तेणु पंचायत निर्वाचन पूर्व पौर निर्वाचन होगा गोटे प्रकार असंभव हो पड़ी जहाक नहीं राज्य सरकार को घेरी विरोधी। पौर निर्वाचन न करने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन कमिशन विरोध में 7 दिन भीतर हाइकोर्ट जावास संसद रे महाभियोग प्रस्ताव आने बीजेपी चेतावनी देती से पौर निर्वाचन नक गणतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार उपेक्षा करेस चेतावनी दौ राज्य इलेक्शन कमिशन को एवं राज्य सरकार को जदि पंचायत निर्वाचन पूर्व आपण अर्बान लोकाल बडीजर इलेक्शन न करे हाइकोर्ट को नजे गोटे हप्ता भितर आम बाध्य हाइकोर्ट को आश्रय नबू आम इंपिचमेंट प्रस्ताव आणिबा पई मान्यवर राष्ट्रपति को मध्य अनुरोध करिवु। आमे तो प्रथम स्वर उत्तोलन करते अर्बान इलेक्शन ना रूरल इलेक्शन हो बोली ये तो गणतांत्रिक कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशनल कार्यक्रम सरकार ताकु मध्य उपेक्षा करी चलछ ठीक समय रे हबो आमे सेतिपई प्रस्तुत होउछु ठीक समय रे हबो आमे सेतिपई जहां प्रस्तुति करिया कथा प्रस्तुति आमे आरंभ करिछु। सबटे महानगर निगम भाबे घोषणा हेबा परठारु संबलपुर और राउरकेला रे आज जाए थर हेले पौर निर्वाचन हो पारे ना। राउरकेला सहर म्युनिसिपालिटी रु महानगर निगम हेबा बेले झाटरंग और जर्दा अंचल को मिसेबा को नै हाइकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले आदिवासी मिलित मंच जहाँ को आधार करी राउरकेला पौर निर्वाचन उपरे रहितादेश जारी करथिले हाइकोर्ट किंतु सेबेठारु रहितादेश बहाना करिबा सह मामलार उत्तर राज्य सरकार रखुनांदी बोली अभियोग करछन्दि राउरकेलावासी। सेपरि संबलपुर रे पौर निर्वाचन नहेबारु अमला मानक हाथ में महानगर निगम थिबारु परिमल पानी जल
गमनागमन आदि क्षेत्र में नहीं ना समस्या भोगुच्चे सहरवासी विड़म्बनार विषय हूँ ना जिला प्रशासन ना ओडिशा सरकार ना पौर कर्तृपक्ष कई हेले एपर्यंत हाईकोर्ट रे निजर पक्ष रखी ना तार कारण हूँ सरकार आंतरिकता ना सरकार खास करके विजु जनता दल सरकार ये अफिसर जरिया शासन इलेक्शन गोटे कॉर्पोरेटर हे जेनटा कॉर्पोरेटर थ्रू से कहते इश्यूटा ग्रीभेन्स होता है गोटे असरा वर्षा है घर भितर के लोक पानी ढुकु समस्त तो पहुंची ना पारन मैं म्युनिसिपल कमिशनर पहुंची ना पारन आज्ञा 65% रु ऊर्ध स्थान संरक्षण आल वार्ड गुड़िकर संरक्षण नहीं मामला हाईकोर्ट रु सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाए चूड़ांत रूप नहीं सारी किंतु पौर संस्था गुड़िकर त्रुटिपूर्ण वार्ड संरक्षण व्यवस्था एवं जाए संशोधन होना फल 110 पौर संस्थार निर्वाचित प्रतिनिधि नथिबारु सरकारी बाबू मान इशारे चली विकास कार्य राउरकेलार अमीय समलपुर मलभंग भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज बुलास्थित वीर सुरेन्द्र साय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भीमसारे कोरोना द्वितीय लहर समय रोगी चिकित्सा अवहेला घटनार तदंत पर हाईकोर्ट गत जुलाई 7 तारीख में राज्य सरकार को निर्देश देते अवसरप्राप्त जिला जज एबीएस नायडू यार तदंत करेंगे नवेम्बर 1 तारीख सुधा हाईकोर्ट रिपोर्ट प्रदान करेंगे गोटेपटे चिकित्सा अवहेला प्रसंगे वर्तमान न्यायिक तदंत आरंभ होनेपटे मुह खुलना स्वास्थ्यमंत्री नव दास भीमसारे कोरोना संक्रमित चिकित्सा अवहेला मामला काठगड़ा राज्य स्वास्थ्य विभाग न्यायिक तदंत उपर राज्यवासी नजर भीमसारे कोरोना संक्रमित उपयुक्त चिकित्सा प्रदान करा न जा अभियोग तदंत कर अवसरप्राप्त जिला जज एबीएस नायडू हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखल करेंगे एथपाय राज्य सरकार को समस्त सहयोग जोगाइदे निर्देश दि जा मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस सावित्री रथ को नहीं गठित खंडपीठ ज्ञानदत्त चौहान पक्षर दायर जनस्वार्थ आवेदन शुणाणी कर एपरी निर्देश देते मामलार परवर्त शुणाणी नवेम्बर 8 को धार्य करोना द्वितीय लहर में चिकित्सा अवहेला व उपयुक्त समय चिकित्सा न मिलवा भाई घटन पीड़िता व सेमान संपर्कों सत्यपाठ दाखल आवेदनकारी हाइकोर्ट कही पीड़ित और सेमान संपर्कों पक्षर चिकित्सा अवहेला प्रसंगे 9 सत्यपाठ दाखल कर हाईकोर्ट में दाखल कर सत्यपाठर कॉपी अर्गस हाथ में लगी शुणु कौन कहते सत्यपाठ दाखल कर रोगी संपर्क जितने पेसेंट स्विच भल आम गोटे मोबाइल देखूँ ताक कथ पेसेंट सागे पेसेंट सागे मोबाइल गोटे कथा बल देखे मोबाइल एक पेसेंट बोला एक उठाला नहीं एक जो आमको मन ठीक से नहीं लगला एक फिर इनक्वारी कल एक आमर हेल्पलाइन जिन अच्छे टोल फ्री वाला जितने इनक्वारी कल आम से कहले कि तुम्हारे पेसेंट डेथ हो डेट हो तुम कागज पत्र करब सीना मैडम मैंने थी जहाँ कहे जिन कर पूरा एनु अभेड़ा करूचन आज्ञा हे अभेड़ा लगे मृत्यु हो लोक मुझे लगे कोर्ट हाईकोर्ट को मुई ये केस करीजे कि आमर जेनता क्षति हो आमर तो से खराब ही गले मरी गले आर तो से रिटर्न आम पाऊ नहीं लेकिन आर जे लोग अच्छन से इतार शिकार न हेबार लगे मुई केस करी जे हाईकोर्ट कोरोना रो द्वितीय लहर समय रे भीमसार रे चिकित्सा रे अवहेला अभियोग करी आवेदनकारी ज्ञानदत्त चौहान हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला दायर करथिले आवेदनकारी अभियोग करथिले भीमसार रे कोरोना संक्रमित को उपयुक्त चिकित्सा प्रदान करा जाउ नै अनेक समय रे डाक्टर अनुपस्थित रहउछन्ती औषध बाहर आनिबा को रोगी को कुआ जाउछि तांको अभियोग आधार रे राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एक 3-जणीय कमिटी गठन कर घटनार तदंत करथिला मे 26 रे कमिटी यार तदंत रिपोर्ट दाखल करथिला यार कॉपी आवेदनकारी को प्रदान करिबा पे हाईकोर्ट निर्देश देथिले किंतु कमिटी रिपोर्ट रे देथिबा तथ्य ठीक नथिबा दर्शाई आवेदनकारी हाईकोर्ट रे जवाब दाखल करथिले सत्यपाठ रे रहिथिबा तथ्य प्रमाण को विचार को नै हाईकोर्ट भीमसार रे चिकित्सा अवहेला घटनार तदंत पे निर्देश देइछन्ती किसी रिपोर्ट आसीना किसी खबर आसीना आम जहाँ जानचु आपड़ी खबर कागज पाइबे आम से खबर कागज पाइस आम पक्ष पर्यटन किसी आसनी कंटेन्ट किसी आसनी लेटर किसी आसनी कौन कर तदंत आम कर सहयोग कर तदंत कि जो सी चाहिए सुपरटेडेंट बाहर जातु डायरेक्टर बाहर जातु प्रिंसिपाल बाहर जातु आम तदंत कर जहाँ किसी कंटेन्ट किसी आसनी राज्य में कोरोनार द्वितीय लहर में आक्रांतों संख्या हु बढ़ुता बेले उपयुक्त भित्तिभूमि और मानव संबल अभाव रोगी को उपयुक्त चिकित्सा सेवा मिल पार घटना मान सामना को आसला
स्वास्थ्य विभाग पक्षर केवल कागज पत्र चिकित्सा चली था। चिकित्सा अवहेला जो शह शह करोना आक्रांतों जीवन चली जाता अभियोग न्यायिक तदंत उपर समस्त नजर रही। झारसुगुड़ सुरेन्द्र बारिक संबलपुर मलयों सहित बुर्लू ज्योति नंदों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। विजु गाँ गाड़ी योजनार त्रुटिपूर्ण कार्यकारिता जो 3.2 कोटी टंका क्षति क्षतिपूरण पर विभाग और निगम मध्य तुतु मेमे निगम कार्यधारा उपरे विरक्ति प्रकाश कला परिवहन विभाग। परिवहन विभाग अतिरिक्त सचिव एने ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम साधारण परिचालकों निकट को चिठी लिखि स्पष्टीकरण लोड़ी सेपटे घटना सामना को आसवा पर सरकारों पर विरोधी बर्षिता बेले विभाग मंत्री प्रतिक्रिया मिल पारना। विजु गाँ गाड़ी रे ब्रेक बाटबणा हला अपहंच इलाका पाई आरंभ होइथिबा विजु गाँ गाड़ी योजना क्षति भरणापाई विभाग और निगम मध्य तू तू मे मे बहु आड़ंबरे लघुक्रिया बाट हुड़ी विजु गाँ गाड़ी ए दृश्य होउची रायगढ़ जिलार कलंकी लगिथिबा भंगा ददरा गाड़ी गुड़िक दिने माओप्रवण जिले में यातायात सुविधापाई चलाउथले राज्य सरकार मात्र वर्ष कईटा भितर योजनार जवनिका पड़ी अनाथ हो जाइए। विजु बाबू ना गढ़ुवा यह गाड़ी गुड़िक लक्ष लक्ष ट गाड़ी गुड़िक कबाड़िया खाना पड़ खत खाऊ के गाड़ी गुड़िक अनामना गछलता भितर लुचिगला तो आउ के गाड़ी जंत्रांश भी गायब हो फल दुर्गम अंचल लोकों गमनागमन स्थित पूर्वावस्था को फेरी जा लोक मैंने विपदपूर्ण अवस्था जातायात करने बाध्य होती। विद्युत जोगान गाड़ी थी आम सठिक भाव में घर को पहुँचल से गाड़ी जो बंद होलार आम सठिक भाव में पहुँच पार ना गाँव लोक सठिक भाव में पहुँच पार ना से समय रायगढ़ जो जो एमरजेन्सी कम थी से आवश्यक जिन कम थी से समय रायगढ़ आसिक शीघ्र घर कम पहुँच पार ना गाड़ी जाक चलते बोले सुविधा होता बंद हो गलाना तेनालीसुविधा लगुचे सामना को आसी विजु गाँ गाड़ी योजनार सांघातिक सत यही योजनार त्रुटिपूर्ण कार्यकर्ता जो 3.2 कोटी टंका क्षति होता सरकार पक्ष दर्शाई तेरे ए बाबद क्षति अर्थ भरणापी बजेट व्यवस्था रखा गृह विभाग वाणिज्य और परिवहन विभाग को सुपारिश करते एपर्तंत कौन पदक्षेप ग्रहण करना नजर पकातु। परिवहन विभाग अतिरिक्त सचिव एने ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम साधारण परिचालक को लिखि यह चिठी उपरेखा अच्छी विजु गाँ गाड़ी योजन माओ प्रभावित अंचल को जो सब बस चली 2019 मार्च 31 सुधा ए बाबदे 3.2 कोटी टंका क्षति होई ए बाबद क्षतिपूरण पर बजेट व्यवस्था करने को गृह विभाग सुपारिश करने अर्थ विभाग यहाँ अनुध्यान कर समस्या समाधान निम्ते परिवहन निगम सहित आलोचना करने कथा किंतु निगम पक्षर एपर्यंत अर्थ विभाग सहित ए संपर्क आलोचना होना तेरे यही घटना सामना को आसवा पर सरकार विरोधी बर्षिता बेले विभाग मंत्री प्रतिक्रिया मिल पारिना। नवीन बाबू सरकार नुआ योजना कला विजु गाँ बस योजना कले उपात अंचल को जो अंचल को गाड़ी जाऊना बाहा बाहा ने कहले तो गाड़ी चलो लोके सुविधा पाइबे एवं पखापाखि 3 कोटी टंका क्षति है कंपनी का माल दरिया में डाल आदिवासी गरीब खटिकिया मूलिया लोक जो फैसिलिटी पाँच फैसिलिटी बंद हवा उचित नुह जो थे लस हो देखा कोर्डिनेसन अभाव सरकार ठीक भाव में परिचालना करना। 2014 फेब्रुआर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यही योजनार शुभारंभ करते प्रथम पर्यायर परिवहन सुविधा नथिबा 12 जिलार पछुआ अंचल को विजु गाँ गाड़ी योजना प्रचलन पर निष्पत्ति होता यहपर द्वितीय पर्यायर अन्य 5 जिला योजन सामिल कर तृतीय पर्यायर अवशिष्ट 13 जिलार जोगाजोग नथिबा सबु पंचायत और समन्वित आदिवासी उन्नयन योजना कार्यकारी होउनथिबा समस्त ब्लक्र परिवहन सुविधा नथिबा अंचल को यह योजना संप्रसारण कर मात्र यह योजना कार्यकर्ता क्षेत्र में केतक परिचालनागत त्रुटि जो 2019 सुधा 3.2 कोटी टंका क्षति होई पूर्व सीएजी योजनार कार्यकर्ता को नहीं आपत्ति उठाई रायगढ़ अजय रथ भुवनेश्वर प्रदीप महापात्र और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
कर्णाटक मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देखते बीएस येदियुरप्पा सका घोषणा परे परे राजभवन जाए राज्यपाल थरबचंद गेहलोत को निजर इस्तफा देखते राज्य में बीजेपी सरकार दुई वर्ष पूर्ति होगा बेले येदियुरप्पा इस्तफा देखते तेज येदियुरप्पा इस्तफा देवाक नहीं किसी दिन धरी चर्चा जोर धरीला बर्तमान राज्य नेतृत्व क्या हस्तांतर कर केन्द्रीय स्तर नेता आलोचना आरंभ हो केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पर्यवेक्षक दायित्व दि जाए तेज नुआ मुख्यमंत्री पांच जन ना सबुठ आग रही है केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी कर्णाटक गृहमंत्री बासवराज बोमई कर्णाटक विधानसभा बाचस्पति विशेश्वर हेगड़े कगेरी राज्य खणि मंत्री मुर्गेश निरानी और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ना सबुठ आगे रही पलातक विजय माल्या को यूके हाइकोर्ट को बड़ झटका यूके हाइकोर्ट विजय माल्या को देवालिया घोषणा करते यहाँ विजय माल्या संपत्ति जबत हो पारे भारतीय बैंकर प्रतिनिधित्व करुवा ल फर्मा टीएलटी एलएलपी एवं बारिस्टर मार्सिया सेकरडेमियन को भारतीय बैंक पक्ष रखी देवालिया घोषणा करने को अनुरोध करते जहाँपर जस्टिस ब्रिक्स हाइकोर्टे वर्चुआल शुणी कर विजय माल्या देवालिया घोषणा करते पलातक विजय माल्या 9000 कोटी टंका बैंक ऋण कर जाशु ऋण न परिशोध कर देश छाड़ अभोग रही स्वागत टोक्यो ओलंपिक रे भारत को खूब शीघ्र मिल पारे स्वर्ण पदक मीराबाई चानू को मिल पारे स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक रो चतुर्थ दिन भारत पई केवल गोटी रौप्य पदक हासिल करछंती मीराबाई चानू तबे मीराबाई को ए रौप्य पदक स्वर्ण पदक रे बदली पारे मिलितबा सूचना अनुसार ए प्रतियोगिता रे स्वर्ण पदक विजेता चीन रो जजीहुं को पुणी थरे डोप टेस्ट करा जिवो जदी जजीहुं ए डोप टेस्ट रे विफल होंती तबे चानू को रौप्य पदक स्वर्ण को बदली प्रतियोगिता शेष पर समस्ते निज देश को फेरुवा बेले ओलंपिक आयोजक मैंने जजीहुं को पुणी थे डोप टेस्ट करवाई अटकई तेज डोप टेस्ट आज कि आसंका होगा नहीं सूचना मिली तेज आज पदक सहित देश को फेरी मीराबाई विमानबंदर विपुल स्वागत संवर्धना दि जाइए ओलंपिक्र स्वप्न को पूरण करने बहु परिश्रम और अनेक त्याग कर मीराबाई हाँ मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हुआ था कि जब से मेरा हमारी दोनों सर का सपने थे ओलंपिक में मेडल जीतना तो वो मैंने 2016 से हमने पूरा तैयार की थी 2016 जो ओलंपिक है तो उसी में हमारी फर्स्ट ओलंपिक भी थे तो थोड़ा नर्वस भी हो गया था तो मेरा मेडल मिस हो गया था उसी के बाद हमने पूरा मेहनत की थी कि हमने ट्रेनिंग चेंज किया कैसे करना है रियो से मैंने बहुत सारी सीखी है तो उसी के बाद हमने पूरा दिल से मेहनत किया इतना हार्ड वर्क किया था ये 5 साल हमने पूरा सेक्रीफाइस करके हमने इसी ये टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की और बहुत सारी सेक्रीफाइस किया तो आज यही तक पहुंचे है देश पाळुछि कारगिल शहीद दिवस 22तम कारगिल दिवस रे मने पड़ती शहीद जे कि देश मातृका को सुरक्षा पई देछंती बलिदान शहीद राजकिशोर साहू कटक चौद्वार अंचल रो राजकिशोर ओडिसा रो प्रथम शहीद जे कि वायुसेना रो पायलट थिले शत्रु सह लड़ी प्राण हरैबा परे घर को आसीथिला फोन कॉल सुनिबा परे आखिरु लुह झरैबा परिवर्त्ते पुअर वीरत्व को नहीं गर्व करते राजकिशोर बापा उद्धार फाउंडेशन पक्षर शहीद को पुष्पमाल्य अर्पण सह स्मृतिचारण कर भागवत बैठा पढ़ुले उद्धार पढ़ी मतलब गोटे टेलीफोन कल आईला टेलीफोन कल आईला मो सारे उठ गली मो फोन ना जो घर फोन आसा मत आप पुअर हेरबाट से जानपर जेतेबेले ता कथा शुणिली मो आखिर टोपे लुह बाहरी ना मो मन भर गर्व आशा जान गोटे कम कला आम तो कत पा कम कर बैश वर्ष ते कारगिल वीर पुओ को हरा केन्द्रापड़ा माटी कारगिल युद्ध रे द्राक सेक्टर रे शत्रु सह लड़ी प्राण हर केन्द्रापड़ा राजकनिका ब्लॉक कांडिया हाट गाँव सचिदानंद मल्लिक एकमात्र रोजगारिया पुओ को झुरी झुरी चलीगले बापा उपेन्द्र और माँ मालती
28 June 2001 केन्द्रापड़ार तत्कालीन सांसद प्रभात रंजन सामंतराय और जिलापाल कृष्णचंद्र महांति शहीद सच्चिदानंद स्मृतिस्तंभ करने भित्तिप्रस्तर स्थापन करते हेले प्रशासनिक अवहेला कारण 18 वर्ष पर्यंत कार्यकारी हो पारि नथिला। परे सांसद अनुभव महांती पांठि 20 लाख टंका मंजूर करिबारु गत 3 मास तले शेष होइछि काम। शहीद सच्चिदानंद से मो क्लासमेट थिला तो दुर्दशा थिला पाठ आवरेज थिला किंतु एते साहसी दुर्दशा जे कल्पना बाहर कोनसि कथा को गोटे डेयरिंग नेचर थिला करिया पछि डर नथिला। से 12 मार रेजिमेंट रे लांस नायक थिला जे द्रास सेक्टर रे पोस्ट को अख्तियार करे मात्र 50 फुट अछि सेतळ को से ता गोली रे 9 जन मार सारथिला ता छाती रे से गोली खाइथिला टली पड़ा पिलाटी बेले जमी से कहे मु सब कहे मुझे प्रकार अनेक डरबी ना साहस करी फाइट करी ताबी प्रतिपादित कला जो जाइली दिने बालेश्वर को ठीक से कही दिने से ही समय गोटे आंबुलांस जाऊला आंबुलांस जड़े लोक मरी जा सही जे मु दिने ना यही अवस्था फेरबी प्रकृत ताही घटला। से अन्य जने कारगिल शहीद निरंजन बेहरा को नहीं गर्व करछंती भद्रक बासिंदा जिलार एकमात्र कारगिल शहीद पर चांदवाली माटी गर्वित 1999 July 26 में सीमार लड़ी प्राण हर निरंजन यापर प्रशासन प्रथम श्राद्धवार्षिकी बेस धूमधाम पालन कला परे स्मृति सभाटे भी आयोजन कर प्रशासन शहीद गाँ पांगुड़ा स्थित शहीद स्मृतिस्तंभ एवं शहीद स्मृतिपीठ अवहेलित अवस्था बर्षा दिन में स्मृतिस्तंभ चारिआड़े आंठुए पा जमि रही देशपाई से हसी हसी प्राणबलि देले से मानकर बलिदान फलस्वरूप आमको जो विजय मिलला से विजय को आम पालन करने स्मृति रक्षा करने उचित जो मटीपी त्यागपाई आदर्श बलिदान दे जीवन उत्सर्ग कर एकमात्र ओडिशार वीर शहीद निरंजन बेहरा आज 22 वर्ष पर भी अवहेलित केबे सरकार निद भांग केबे जिला प्रशासन ब्लॉक प्रशासन दृष्टि पड़ ये शहीद निरंजन बेहरा स्मृति उद्देश्य स्मृतिस्तंभ निर्माण हम और से शहीद दिवस अवसर में सभा मंच टीए प्रस्तुत हम ता मध्य होना ये दुखित प्रत गोटे कथ रास्ता तो बहुत कष्ट रास्ता बनाई से गोटे कथ बार बार कही सारे मत बहुत मानते दुख लगुचन किसी भी बोझ देश मातृकार सुरक्षापी प्राणबली देते शहीद हेले से उचित सम्मान देवे अवहेला प्रदर्शन साधारण से भूकुंचन सृष्टि कर 14 अजित स्वाई केन्द्रापड़ा राजकनिकार कमल लोचन गिरी और भद्रक चांदवाली भाग्यरथी सेठी रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।